डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, आप मरीज को बाहर ले जाइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अदारा मित्र उठो 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 चलो आराम से ख्याल से उठो। कौन आए पकड़ो उसको। इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे मैं डॉक्टर साहब से दवाएं लिखवा के आता हूँ। डॉक्टर साहब खैर तो है? हाँ खैर तो है, मरीज को कराची ले जाना पड़ेगा। कराची ले जाना पड़ेगा, फिर क्यों डॉक्टर साहब? इसलिए कि ये शहर छोटा है और बीमारी शहर से बड़ी है। डॉक्टर साहब वहां तो बहुत खर्चा आएगा। क्या करें, अपने यहाँ इंसान सस्ता और इलाज महंगा हो गया है। डॉक्टर साहब हम बहुत गरीब लोग हैं। गरीबों के लिए तो इलाज महंगा हो गया है, अमीरों के लिए तो कुछ भी महंगा नहीं होता, उनके लिए तो हर चीज सस्ती है। पैसे का कद इंसान की जिंदगी से बढ़ गया है मेरे भाई। इसका मतलब है कि यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता? नहीं यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। अब मरीज को देखने की फीस कितनी हुई मेरे भाई? जब मैं बीमारी का इलाज नहीं कर सकता तो फीस किस बात की लूं? पर डॉक्टर साहब दूसरे डॉक्टर तो देखने की भी फीस लेते हैं। वो मरीज को देखने की फीस नहीं लेते, अपने पेट और अपने जेब की बीमारी की फीस लेती है। उनकी अपनी जेब हर वक्त बीमार रहती है। मैं उन डॉक्टरों में से नहीं हूं। मैं तेरी बात समझा नहीं डॉक्टर साहब। ना ही समझो तो अच्छी बात है। फिर क्या करें? मैंने कहा ना मरीज को कराची ले जाइए। ठीक है डॉक्टर साहब। क्या हुआ था? अदीप डॉक्टर साहब कहता है कि अदा रहमतुल्लाह को कराची ले जाना पड़ेगा। हाँ बताओ। उठो उठो रहने दे, मैं खुद उठा लूंगी। नहीं नहीं ये बहुत वजनी है। किताबों से तो मेरी दोस्ती है,
और दोस्ती में बोझ बोझ कुछ नहीं होता। वेलकम। खान, एक बात समझ में नहीं आई। क्या क्या समझ में नहीं आया? यही कि हमारे मुल्क में रिवाज है कि बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी को रास्ता नहीं देती। तुमने तो बैलगाड़ी को रास्ता दे दिया। मैंने बैलगाड़ी को रास्ता नहीं दिया हारू, मैंने बैलगाड़ी में बैठे हुए सोने सोने लोगों को रास्ता दिया है। क्या मतलब? तुमने देखा नहीं कि बैलगाड़ी में रहमतुल्लाह की बेटी जरीना बैठी हुई थी? हाँ, जरीना बैठी हुई तो क्या हुआ, शहर में तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां टकरा जाती हैं। वो तो ठीक है अरुण, वो तो ठीक है, मगर यार कुछ अरसा पहले मैं इसी गांव में एक गरीब आदमी था और अब बहुत बड़ा ठेकेदार बन गया हूं। तो जवानी तो पीछा नहीं छोड़ती ना बाबा, जवानी में मुझे गरीब भारी की बेटी अच्छी लगती थी और आज भी मुझे गरीब हारी की बेटी अच्छी लगती है। अब तो समझ में आ गई ना सारी बात? हाँ, अब समझ में आ गई। सादिया जी, बेटा आज मुझे तुमसे एक बात करनी है। बोले। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? मुझे? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ।
मैं तुम्हारे कपड़ों और सेहत की बात नहीं कर रही। फिर बेटा ये बताओ कि तुम कब तक ये तन्हा तन्हा जिंदगी गुजारोगी? तन्हा? लेकिन मैं तो अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करती। लेकिन मैंने तो आज तक तुम्हारी दोस्ती नहीं देखी, ना किसी लड़की से ना लड़के से। उससे क्या होगा? अजीब बात है, क्या होगा? इतने पॉश इलाके में रहती हो, एक से खानदानी पढ़ा लिखा लड़का और लड़की मैसर है, भाई बातें करते हैं, महफिलें सजाते हैं, हल्ला गुल्ला करते, अच्छी अच्छी बातें करते। अच्छी अच्छी बातें? ये आपसे किसने कह दिया कि ये लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं? मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल लेते हैं, दिमाग में तो उनके भुज भरा रहता है, सर पे बालों की खजूर बनाए फिरते हैं, और कोई तो टखनों से फटी हुई नेकर पहन के पीठ संप्रास के मटके तोड़ता हुआ नजर आता है, किसी को देखो तो सर पे एयरपोर्ट का रनवे बनाया हुआ है, और कोई कमर तक बालों को लंबा छोड़ के लड़कियों की तरह कमर हिलाता हुआ नजर आता है, और अगर किसी से बात करो तो तान आकर किसी पॉप सिंगर या हॉलीवुड की एक्ट्रेस के स्कैंडल पे आके टूटती है, आगे बात करो तो खाक उड़ती हुई नजर आती है। ठीक है, लेकिन फिर भी किसी से दोस्ती करने में नुकसान क्या है? वक्त को जाया करना अम्मी जान, इससे बड़ा क्या नुकसान होगा? लेकिन बेटा इस उम्र का तकाजा है महफिलें सजाना, दोस्तियां करना, घूमना फिरना। महफिलें सजाना? हाँ, वो तो मैंने सजाई हुई है। देखे ना, मेरे इस कमरे में एक से एक बड़ा और समझदार इंसान इन किताबों की सूरत में मौजूद है। ये लोग मुझे अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, मैं सुनती हूँ, मेरी महफिल तो सजी हुई है। मेजा एक मिनट। हेलो जी। जी हाँ, मौजूद हैं। आपका फोन। ये कैसी है? जी अदी। क्या होगा? बस अदी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इलाज के लिए इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? बस अदी, कहीं ना कहीं से तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। अदा, तुम भी तो हमारी तरह गरीब हो। बस अदीब, कर्जा लेना पड़ेगा। किससे लोगे? अपना वडेरा शाह मोहम्मद, वो खुद सेठों का कर्जदार बन गया। वडेरा शाह मोहम्मद के पास पैसे होते ना तो इस वक्त हम कराची में बैठे होते, किसी और को देख लेंगे। कौन देगा? गोठ में बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा है। अदा, वो तो नौ दौलती है, नया नया पैसा कमाया है, तो देना नहीं जानते, लेना जानते हैं। वो लोग हमारे वडेरों की तरह थोड़ी है। अदी देखते हैं, अल्लाह बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं से तो कर्जा मिल जाएगा। टिब्बी ने टिब्बी,
और माँ निगोड़ी जिंदा रह गई। नसीबा तो मटके की तरियो फुटे, ना बचे मटका और ना बचे पानी, बचे तो मारी जैसी ठीकरी बचे, मारी जैसी ठीकरी बचे। अपना कारोबार लंदन में खत्म कर दिया है और मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। बेटा तारीख लिखी है? नहीं अम्मी, लिखा है कि मैं आने की इत्तला फोन पर दे दूंगा। यार शी इज सो अट्रैक्टिव, यू कांट बिलीव इट। ओके यार कि वो बहुत अट्रैक्टिव है, मगर यार वो तुम्हें लिफ्ट कराती भी है या नहीं? यार अभी तो वो मुझे लिफ्ट नहीं करा रही। फिर कब लिफ्ट कराएगी? यहां ऐसी लड़की को ट्रैप करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। अगर वो ट्रैप ना हो सकी तो फिर? वो तो क्या उसका बाप भी ट्रैप होगा। यू नो आई एम अ टफ गाय लाइक अ ट्विस्ट, आई कैन डू एनीथिंग अंडर द स्काई। और घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो मुझे टेढ़ी उंगली से निकालना आता है, और ऐसी लड़की को ट्रैप करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्या चाहिए? वो मेरी चेकबुक नहीं मिल रही। चेकबुक? हाँ मालूम है तुम्हें कुछ? ये ले। हाँ ठीक है चलता हूँ। जिंदगी का एक उसूल है कि ना मैं कभी किसी को कर्ज देता हूं और ना किसी से कर्ज लेता हूं। वो तो ठीक है सही, पर बीमारी की मजबूरी। मेरी बात गौर से सुनो। सही, ये जो अपना यार है ना हारून, ये मेरा ऐसा यार है कि अगर ये मुझसे सर भी मांगे तो मैं कभी इनकार ना। इसने मुझसे कहा और मैंने अपना असूल तोड़ दिया। मेहरबानी से जितने पैसे तुम लोगों ने मुझसे मांगे हैं मैं उससे दुगने पैसे देने को तैयार हूं। मेहरबानी, मगर एक शर्त है। नहीं वो क्या सी? कि जिस वक्त मैं पैसे वापस मांगू तो तुमको उसी वक्त पैसे वापस करना होंगे। हाजिर सही, हाजिर। क्यों अरुण, ठीक कह रहे हो ना? बिल्कुल ठीक कह रहे थे। हाँ 20,000 लिख दो। अच्छा
दाल जबरदस्त बनी है। हुआ कोई बंदोबस्त? बड़े बंदोबस्त कैसे नहीं होगा? असद अहमदुल्ला मेरा जार और तेरी मंगेतर का बाप है। अरे वह उसका ख्याल हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? इसको तो बड़ी फिक्र लगी हुई थी। अरे रुखी माँ, इसको फिक्र कैसे नहीं लगी होगी? आखिर इसका दिल मेरे यार के घर में टंगा हुआ है। जरीना का दिल भी तो इधर टंगा हुआ है। छोड़ो मैं इन बातों को, मेरे लिए खाना निकाल दो। खाना निकाल के। जी अम्मी। बेटा फिर किताबें खरीदने जा रही? नहीं अम्मी, मैं अपने माली है ना अच्छन मियाँ, उनके साथ जा रही हूँ। माली के साथ? जी उन्हीं के साथ जा रही हूँ। अजीब लड़की। चलिए चलिए अंदर चलिए। ये कैसी है बेगानी? अम्मी को बताएंगे। जाहिर है जिसके साथ सारी जिंदगी गुजारी है और आगे भी गुजारनी है, आपने उसी को बताना है। हाँ जी ये ले बात करें। थैंक यू बेटा। हेलो कब आ रहे हो इतनी देर के बाद? हाँ मैं लिखती हूँ बताओ। हाँ हो गया। सिकंदर कौन? जमींदार का बेटा है, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आ रहा है। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा और तुम्हारे नौजवान दोस्त का जरूर ख्याल रखेंगे, बस जल्दी आओ। अच्छा खुदा हाफिज। कब आ रहे? 10 मिनट बाद। मुझे पता है कि ये बड़े डॉक्टर सरकारी अस्पताल में बीमार पर इतना ध्यान नहीं देते जितना अपने क्लिनिक पर बड़ी बड़ी फीसें लेकर ध्यान देते हैं। अरुण जी सर, चाचा रहमत की बीमारी पर जितना भी खर्च आए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन कोई कसर बाकी ना रह जाए। हिसाब बाद में कर लेंगे। ठीक है साईं, समझ गया। अब हम जाएं? हाँ जाओ, और जाके चाचा रहमत का ख्याल रखो। मेहरबानी से।
जरा, है ना? क्या बात है? धीरे बोलियो जरा, वहन चल के खुद ही तमाशा देख लियो। चलें देख लेते हैं। चलना। भाई ये कौन हजरात हैं? हजरात बजरात नहीं, मारे को तो कुछ और ही नजर आवे। एक जने ने तो मारी तरियो बाल छोड़े हुए, मालूम नहीं कि जनाना है कि मर्दाना। भाई हमें तो ना ये मर्द लग रहे हैं ना औरत। और दूसरे जने को तो देखियो, गले में जंजीरा वंजीरा पहने हुए, कान तले बाल कटाए हुए। कान भी कटवा लेते ना तो सूरज तले खूब ही चमकते। बेटा वो कहते हैं कि तुम्हारे अब्बू का शानदार इस्तकबाल करेंगे। इस्तकबाल? लेकिन अम्मी इस्तकबाल तो बड़े बड़े लीडरों का होता है, मेरे अब्बू तो बहुत सीधे साधे इंसान है। लेकिन फिर भी मिलने में क्या हर्ज है? बस अम्मी मैं नहीं मिलना चाहती उन लोगों से, आप उन्हें मना कर दें। ये मुझसे नहीं होगा, घर आए हुए मेहमान को लौटा देना अच्छी बात नहीं होती। अच्छा तो फिर आप कोई बहाना कर दें, कह देंगे मैं सो रही हूँ बस।